हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इलाहाबाद में योगी को दिखाए गए काले झंडे, हनुमान जी को दलित बताने का किया विरोध। हनुमान जी को दलित बताए जाने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को काले झंडे दिखाए। पुलिस ने 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। योगी आदित्यनाथ जहां कुंभाभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, सीएम ने कहा कि जिन्हें धर्म के बारे में जानकारी नहीं वही लोग बेवजह बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। ऐसे लोग संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं। कुंभाभिषेक कार्यक्रम में आए योगी ने कहा, किसी के काम पर उंगली उठाना आसान होता है, दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अगर हर कोई जिम्मेदारी निभाए तो धरती दिव्य लोक में बदल जाएगी। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाए तो आयोजन में कमी नहीं दिखेगी। लोग अपनी कमियां दूर करें और दूसरों की गलतियों से सीखें तो देश दिव्य हो सकता है। सीएम योगी ने पिछले दिनों दिए एक बयान में हनुमान जी को दलित बताया था। इसके बाद से ही विरोधी लगातार हमले कर रहे हैं। कार्यक्रम में वापस लौटते समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाया। 3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दारागंज में संगम पुलिस चौकी के पास यह घटना हुई। योगी के दलित हनुमान पर आजम खां का तंज, अभी चुनाव तक रावण मुसलमान हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए योगी आदित्यनाथ के बयान पर अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने तंज कसा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि योगी इतिहास में PhD हैं, अभी तो उन्होंने हनुमान जी को दलित बनाया है, चुनाव खत्म होने तक रावण को मुसलमान भी बना देंगे। योगी के बयान के बहाने आजम ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाने पर लिया। आजम ने कहा, भाजपा नेता पहले ही सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बता चुके हैं, अब योगी ने हनुमान को दलित बताया है, समझ नहीं आता उनके बयान पर हंसे या रोए। चुनाव करीब है और काम कुछ किया नहीं है, नौकरी नहीं दी, कर्ज माफ नहीं हुआ, उन्हें तो पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान में भी योगी का विरोध तेज हो गया है। पार्टी के कुछ विधायकों साधु संतों के साथ अब कई संगठन में भी विरोध में भी उतर आए हैं। योगी की सद्बुद्धि के लिए जयपुर में शुक्रवार को शहर की 8 दिशाओं में स्थित हनुमान मंदिर में प्रार्थना की गई। लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए भगवान पर विवादित टिप्पणी का विरोध किया। योगी के बयान पर एक तरफ राजस्थान भाजपा ने मीडिया पर गलत तरीके से बात रखने का आरोप लगाया, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक TV चैनल से बातचीत में कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा क्यों कहा, यह उन्हीं से पूछना चाहिए, मैं इस तरह के बयान नहीं दे सकता। अयोध्या मामले पर योगी के मंत्री ने खुलकर किया अखिलेश यादव का समर्थन, सीएम पर बोला हमला, जाने पूरा मामला। अखिलेश यादव के बयान, अयोध्या में सेना को बुलाना चाहिए का योगी सरकार में मंत्री OP राजभर ने अपना समर्थन दिया है। अखिलेश यादव की तरह ही OP राजभर का भी मानना है कि अयोध्या में शिवसेना और VHP के कार्यक्रम को देखते हुए सेना को लाया जाना चाहिए। दरअसल UP के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन हालात को अयोध्या के लिए खतरनाक बता रहे हैं। उनकी मांग है कि अयोध्या में फौज बुलाई जाए, पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अयोध्या में VHP और शिवसेना की रैलियों को मद्देनजर सेना तैनात की जाए। उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट में मंत्री OP राजभर ने स्पष्ट कहा कि मैं अखिलेश यादव के बयान का स्वागत करता हूं। अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है, फिर भी प्रशासन वहां लोगों को जमा होने दे रहा है, इसका मतलब है कि वह नाकाम हो चुका है। अयोध्या में सेना को लाया जाना चाहिए।
ओपी राजभर ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनावी अभियान में व्यस्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला है। राजभर ने कहा कि अयोध्या में जब धारा 144 लागू है तब यूपी में मुख्यमंत्री चुनावी अभियान में रुचि ले रहे हैं। जिस तरह भी भीड़ इकट्ठा हो गई है उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर बनती है। बता दें कि रविवार को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद का धर्म संसद कार्यक्रम है, वहीं शिवसेना का भी राम मंदिर निर्माण को लेकर अपना अलग कार्यक्रम है, जिसके लिए शिवसेना प्रमुख मुंबई से मिट्टी ला रहे हैं। आज यानी शिव शनिवार को वह अयोध्या पहुंचेंगे। गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अगले वर्ष जनवरी तक के लिए टल गई है। उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि न्याय में देरी से लोगों को निराशा होती है। वहीं बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट से देरी हो रही है। माधव संघ के उस बयान का बचाव कर रहे हैं जिसमें संघ ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए फिर 1992 जैसा आंदोलन किया जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा संसद में इस मामले पर बिल लाने की बात कह चुके हैं। मूर्ति साधुओं ने प्रस्ताव पारित कर खारिज किया कि आदित्यनाथ का पालन। शंकराचार्य बोले, हिंदू धर्म को सांप्रदायिक ताकत बनाना चाहती है योगी और मोदी सरकार। यूपी के वाराणसी में आयोजित 3 वर्षीय धम्म संसद के सैकड़ों साधु संत पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार दोनों ही भगवान राम का अपमान कर रही है। साधुओं का यह आरोप है कि ऐसे वक्त में सामने आया है जब सूबे की सत्ताधारी बीजेपी ने अयोध्या में भगवान राम की एक बेहद विशाल मूर्ति लगाने का फैसला किया है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक साधु तो इतने नाराज थे कि उन्होंने रविवार को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित धर्म सभा को अधर्म सभा करार दे दिया। बता दें कि अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतर वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई टालने की आलोचना की थी। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी में इकट्ठा हुए साधुओं को ऐसा लगता है कि राम और सरदार पटेल में हौड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वाराणसी ने साधु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी सरस्वती ने कहा, राम की 221 मीटर ऊंची मूर्ति भगवान का अपमान है। पक्षी और जीव जंतु खुले में लगी मूर्ति के आसपास घूमेंगे। भगवान की मूर्ति सिर्फ मंदिर में रखी जा सकती है जो चारों ओर से घिरी हो। बता दें कि वाराणसी में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से हुआ है। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, बीजेपी सरकार भगवान राम को सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिस्पर्धा में उतारना चाहती है। पटेल ने कुछ सूबों का विलय कराया था जबकि भगवान राम पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। बीजेपी सरकार ने हाल ही में गुजरात में देश के पहले गृह मंत्री की 198 मीटर ऊंची प्रतिमा लगवाई है। शंकराचार्य ने भी भगवान राम राजनेता नहीं थे। उन्होंने कहा, हिंदुओं को उनकी मूर्ति की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि आदित्यनाथ को हिंदू धर्म की समझ है कि नहीं। हम यह जानते हैं कि जरूरत है कि आखिर क्यों अयोध्या में राम की मूर्ति लगाने का फैसला हिंदू विरोधी है। मोदी और योगी सरकारें हिंदू धर्म को सांप्रदायिक ताकत में बदलने की कोशिश कर रही है। बता दें कि वाराणसी में इकट्ठे हुए साधुओं ने अयोध्या में राम की प्रतिमा लगाने की योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया। देश के हर हनुमान मंदिर में योगी रखवाए दलित पुजारी मायावती। बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस व भाजपा की जमकर आलोचना की। वहीं दलित समाज को अपने एक हक के लिए एकजुट होने व कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों का अनुसरण करने का संदेश दिया। उन्होंने आरएसएस व भाजपा पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने हनुमान जी को दलित कहे जाने के मुद्दे पर
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पढ़ते हुए कहा कि वह देश के हर हनुमान मंदिर में दलित पुजारी रखवाएं। उन्होंने बसपा को सर्व समाज की पार्टी बताया। शनिवार को नदबई के डहरा मोड़ रोड स्थित मंडी परिसर में बसपा प्रत्याशी जोगेंद्र सिंह अवाना के समर्थन में हुई सभा को बसपा सुप्रीमो मायावती संबोधित कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस व भाजपा को दलित विरोधी कहा, वही बसपा को सर्व समाज की पार्टी बताया। यही नहीं, पार्टी का मूल उद्देश्य सिर्फ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बताया। संबोधन के दौरान मायावती दलित कार्ड खोलने से भी नहीं चुकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हनुमान जी को दलित बताए जाने के बयान पर भी उन्होंने उनसे देश के हनुमान मंदिर पर दलित पुजारी रखने की मांग की। सभा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मायावी गदगद दिखी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।